तो आप देख रहे हैं आरटीए न्यूज। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। अधूरा वीडियो देखना होगा तो आप वीडियो को मत देखिएगा। आप लोगों ने जो कार्य स्टार्ट किया है वह बहुत ही सराहनीय है। आपका हर एक कदम बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों ने 50,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए जो कदम आगे बढ़ाया है वह तारीफ़ी काबिल है। विज्ञापन कब तक आएगा इसके संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि 50,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। मेरे द्वारा आपको 6 माह पहले ही बताया गया था कि 45,000 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। कब जारी होगा यह भी बता दिया गया था। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया गया था मेरे द्वारा कि आप लोग मंत्री, विधायक, डीएम सभी को ज्ञापन दें और आप अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएं। और जो मेरे द्वारा 6 माह पहले आपसे कहा गया था वह कार्य आप कर रहे हैं, तो आपका कार्य सराहनीय है और एक एक कदम आपको बहुत ही मूल्यवान है। आप मानकर चलिए कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है वह 2021 में 100% गारंटी के साथ कहता हूं आ जाएगा, अगर आप इसी तरह लगे रहे। देखिए आप इसको और बड़ा करिए, जितने भी कैंडिडेट नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका 69,000 में चयन नहीं हो पाया, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी उसके बारे में जानकारी मांगते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी बीटीसी डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं जो कि बीटीसी डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, तो आप सभी अपने जिले के डीएम को, तहसील के डीएम को, अपने यहाँ के विधायक को, अपने यहाँ के सांसद को आप लोग जो है ज्ञापन सौंपिए। 20-25-30 लोग एकत्रित हों, एक साथ ज्ञापन दें, डीएम के यहाँ जाएं, 20-25 लोग एकत्रित हों, ज्ञापन दें। आप देखिएगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, चैनल का नाम नोट कर लो और मेरा भी नाम नोट कर लो, मेरा नाम राज पांडे है, तो आप इसको नोट कर लो कि अप्रैल मई तक आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जो मांग की है कि आधिकारिक घोषणा की जाए, आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो जाएगी, इस वर्ष तो नहीं होगी लेकिन आप इसको मानकर चलिएगा कि जनवरी फरवरी तक आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा का आयोजन करा लिया जाता है, परिणाम घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती आना तय है। तो आप लोगों के कार्य को मैं दिल से सलाम करता हूं। जहां तक रही एडियट जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती की बात, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन कुछ पेच है कि नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी अब परेशान हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्द आएगी, दिसंबर माह में पूर्ण संभावना है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, पूर्ण संभावना है। फिलहाल शासन की मंशा भविष्य में पलट जाए, शासन की मंशा कुछ और हो जाए, जिस प्रकार से एडियट जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती का हुआ है, पहले किस माध्यम से विज्ञापन आ रहा था, अब किस माध्यम से विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है आपको मालूम होगा। और 2022 का चुनाव है, अगर आप परिश्रम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आप अपनी मांगों तक सरकार तक पहुंचाते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपका लाभ ही लाभ है, 2022 का आपको लाभ मिलेगा। एक और सवाल आप लोगों ने पूछा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली समीक्षा अधिकारी भर्ती के संबंध में कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, तो इसके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई है। आप लोगों ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उसी में ऐड किया था, कहा था कि सर बताइए कि पीसीएस से पहले आएगा या बाद में, तो पीसीएस से पहले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होगा। आप लोग अपनी तैयारी दमदारी से करें, बेहतरीन ढंग से करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। विज्ञापन पीसीएस 2021 के पहले समीक्षा अधिकारी का जारी होगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें।